हेलो बच्चों। अच्छा, दिवाली में आप लोगों ने पटाखे तो चलाए ही होंगे। आप लोगों में से उसे रॉकेट रॉकेट उड़ाना किसे किसे पसंद है और किसे किसे अच्छा लगता है जब आकाश में उसे रॉकेट उड़ता हुआ दिखता है, जब वो सुनता है अखबार में, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर्स में कि भारत ने इतने सारे सैटेलाइट्स इस रॉकेट PSLV के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिए। अमेरिका का ये रॉकेट लोगों को लेकर के स्पेस में जा रहा है, चांद पर जाने की तैयारी में है। मुझे लगता है आप सारे बच्चों को अंतरिक्ष में रुचि होगी और उसके साथ साथ में रॉकेट साइंस में भी रुचि हो सकती है। और इसी रॉकेट को अगर हम लोग वेपन हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, देन व्हाट वी वुड से इट, हम लोग इसे कहेंगे मिसाइल। रॉकेट ऊंचाई पर ले जाता है और मिसाइल क्या करता है, वो रॉकेट की रफ्तार से, रॉकेट की टेक्नोलॉजी को यूज करके कोई भी हमारा जो लक्ष्य है हवा में, पानी में, दूसरे देश की एरिया में, उसे वो ध्वस्त कर सकता है। तो बच्चों, आज का चैप्टर है लेसन नंबर 16, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट, हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, कभी सुना है? अभी अभी जो कुछ साल पहले हमारे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं को तो कहते हैं ही इज नोन टू बी द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। इनका जन्म इनके जन्म की तारीख है 15 अक्टूबर 1931 और मरने की तारीख है 27 जुलाई 2015। एंड ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। तो बच्चों, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में कहाँ हुआ था? रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। और ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। इनके बारे में बताया गया है कि ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। द मेन इनकम ऑफ हिज फैमिली वाज फ्रॉम फेरिंग द पिलग्रिम्स अक्रॉस द सी बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। इनके परिवार कि आय का जो मुख्य स्रोत था वो ये था कि ये लोग ना, इनके पिताजी या घर में चाचा जी, दादा जी वगैरह रहे होंगे, वो लोगों को, तीर्थ यात्रियों को जो रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम आना जाना चाहते थे, तो उन्हें नौका पर, बोट पर फेरी कराते होंगे, यहाँ से वहाँ ले जाया करते थे। द फैमिली ऑफ अब्दुल कलाम लिव्ड कंफर्टेबली टिल ए स्ट्रॉन्ग साइक्लोन लेफ्ट द सोर्स ऑफ रामेश्वरम। तो बताते हैं कि अब्दुल कलाम का परिवार काफी अच्छे से रह रहा था तब तक, जब तक कि वहाँ एक बड़े ही भयानक तूफान ने, बहुत ही बड़े तूफान ने, साइक्लोन ने रामेश्वरम की जो समुद्र के किनारे की बस्तियां थी उनको चौपट नहीं कर दिया, उनको बहा नहीं दिया। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर बोट विच वॉज देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम। तो उसी तूफान की वजह से इनके परिवार में जो एक नाव थी जिससे ये तीर्थयात्रियों को यहाँ से वहाँ फेरी कराया करते थे, वो भी टूट गई, तबाह हो गई। और इसी वजह से इनके परिवार में अब इनकम, रुपये पैसों की आर्थिक स्थिति दिक्कत हो गई, तंगी हो गई। द यंग अब्दुल कलाम डिड नॉट लूज हिज हर्ट, ही वॉन्टेड टू हेल्प हिज फैमिली। तो ये जो अब्दुल कलाम थे, जो कि उस समय युवा वर्ग में थे, युवा उम्र के थे, मेरे ख्याल से 12-14 साल के रहे होंगे, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी परिवार की मदद करना चाहते थे। ही सॉ दैट देयर वॉज ए ग्रेट डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स। सो डू यू नो व्हाट इज टैमरिंड? टैमरिंड हम लोग कहते हैं इमली को। तो अब्दुल कलाम ने देखा कि वहां पर लोगों के बीच में इमली के बीजों की बहुत ज्यादा डिमांड है। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट टैमरिंड सीड्स एंड सेल देम टू ए नियर बाई शॉप। तो उन्होंने ये सोचा, ये डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं इमली के बीजों को इकट्ठा करूंगा और नजदीक की दुकान पर बेचाया करूंगा। फॉर दिस ही वॉज पेड ए लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, और इस चीज के लिए उन्हें थोड़े पैसे भी मिलते थे उस दुकान से। आगे चल करके उन्होंने क्या क्या किया अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए। ही टुक द पॉपुलर तमिल न्यूज पेपर दीनामणि टू द अलॉटेड एरिया फॉर सेल।
उन्होंने न्यूज़पेपर वेंडर अखबार बांटने का बेचने का काम भी किया। दिस वे ही ऑल्सो अर्न सम मनी टू हेल्प हिज फैमिली, और इस तरीके से उन्होंने थोड़े और पैसे भी कमाने शुरू किए अपने परिवार की मदद करने के लिए। सो व्हाट वाज हिज ड्रीम, उनका सपना क्या था? अक्सर जो लोग बड़े होते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, कुछ न कुछ सपने तो होते हैं ना बचपन में, तो इनका सपना क्या था? हिज ड्रीम वॉज टू हेल्प हिज फैमिली एंड टू बिकम ए साइंटिस्ट। तो अब्दुल कलाम, उनका सपना क्या था? वो परिवार की को मजबूत करना चाहते थे, परिवार की मदद करना चाहते थे और वो खुद एक वैज्ञानिक बनना चाहते थे। समझ रहे हो ना बच्चों? साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन होता है? वन हु इन्वेंट्स न्यू थिंग्स, वन हु डिस्कवर्स न्यू थिंग्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो दुनिया के लिए नई मशीनें, नई तरह की टेक्नोलॉजी बनाता है, नई तरह की जानकारियां इकट्ठा करता है, कुछ खोज करता है, रिसर्च करता है। ही इज नोन टू बी साइंटिस्ट, और यही साइंटिस्ट बनना चाहते थे अब्दुल कलाम। एज ए स्टूडेंट टू ही फेस्ड मेनी हार्डशिप्स। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने बचपन में परिवार में क्या क्या दिक्कतें महसूस की और उन्होंने फैमिली की इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया। अब बताते हैं कि स्कूल में भी उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ही फेस्ड दो चैलेंजेस ब्रेवली, लेकिन इन्होंने उन सारे चैलेंजेस का बहादुरी से सामना किया। ही स्पेशलाइज इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT एंड डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो आगे चल करके उन्होंने MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग किया। एरो इंजीनियरिंग का मतलब है एरो, या फिर एरो स्पेस इंजीनियरिंग भी कहते हैं आजकल। जैसे दो तरह की इंजीनियरिंग होती है, एरोनॉटिक्स और एरो स्पेस। तो एरोनॉटिक्स में हवा, हवा में उड़ने वाली चीज़ों के बारे में साइंटिफिक डेवलपमेंट का काम होता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और हम लोग रॉकेट के बारे में भी कह सकते हैं। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में क्या होगा कि वैसे वैसी मशीनें, वैसे हवाई साधन जिनके जरिए, जिनको इस्तेमाल करके हम स्पेस में जा सकते हैं। तो बच्चों ये समझने की बात है कि हवाई जहाज जो हवा में रुकता है, हवा में उड़ता है, उसी को हम अंतरिक्ष में भी उड़ने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो यहाँ वायुमंडल में हवा होती है और साथ साथ ही इसे अर्थ के, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को रेसिस्ट करना होता है। जबकि जो स्पेसक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ता है, वहाँ पर ग्रेविटेशन नाम की चीज़ नहीं होती, लेकिन वहाँ पर सोलर रेडिएशन होता है, है ना, वहाँ पर वेटलेसनेस की स्थिति होती है। तो वहाँ जो हवाई जहाज हम हवा में उड़ने के लिए, वायुमंडल में उड़ाने के लिए, धरती के इर्द गिर्द उड़ाने के लिए, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी हवाई जहाज को हम अंतरिक्ष में नहीं उड़ा सकते, वो हायर टेक्नोलॉजी का चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इस तरीके से अब्दुल कलाम जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने एरो इंजीनियरिंग की, और इनका नाम क्या दिया हुआ है आगे चल करके, एक लंबा सा नाम, वह है डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट। तो आगे चल करके वो एक बहुत महान वैज्ञानिक बने। आप देख रहे हो ना कि इनके नाम के साथ में DR सब जुड़ा है, दैट इज डॉक्टर। और डॉक्टरेट कब मिलता है? डॉक्टरेट मिलता है कि जब लोग MSc या MTech करने के बाद में रिसर्च वर्क करते हैं, किसी साइंस या टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई नई चीज़ ढूंढ करके निकालते हैं, कोई नई प्रिंसिपल, कोई नई मशीनरी इस तरीके से बनाते हैं, तो तब जाकर के डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। ही वर्कड इन DRDO इन 1958 एंड देन ज्वाइंड इसरो इन 1963। तो बच्चों DRDO का फुल फॉर्म पता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर डिफेंस करने के लिए, लड़ाई में दूसरे देश के साथ में हम कैसे डिफेंस करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, तो उसके लिए हथियार बनाए जाते हैं, वीपन्स बनाए जाते हैं। तो 1958 में इन्होंने DRDO को ज्वाइन किया और आगे चल करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को इन्होंने 1963 में
ज्वाइन किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड ऑल्सो इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। तो इन्होंने भारत के सैटेलाइट लॉन्च के, इंडियन सैटेलाइट जैसे कि हम लोग इनसेट 1B, इनसेट 1C, ये तरह तरह के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ साथ में जब वो DRDO में थे तो वहाँ उन्होंने मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किया है। अब देखो क्या बताया गया है कि एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर SLV-3 ही कंट्रीब्यूटेड फॉर द डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द नियर अर्थ ऑर्बिट। तो बताते हैं कि ये SLV-3 प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और इसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो इसमें इन्होंने उसकी डिजाइन डेवलपमेंट और कैसे इस रॉकेट को लॉन्च करना है इसकी पूरी मैनेजमेंट की सारा का सारा काम इन्होंने खुद ही किया था, इतना बड़ा योगदान था। और ये जो सैटेलाइट था SLV-3 ये पूरी तरह से भारत में भारतीय टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ था, ये सबसे खास बात थी। और इसी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के जरिए भारत ने अपने देश में बनाया हुआ सैटेलाइट रोहिणी इसको धरती की, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। और आगे चल करके मतलब जब वो DRDO में थे तो उस समय उन्होंने बहुत सारी मिसाइल की टेक्नोलॉजी में भी काम किया था। ये जो मिसाइल्स के नाम सुनते हो ना आप, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स, दे हैव बिकम हाउस होल्ड्स इन नेम्स इन इंडिया। तो इन सारी मिसाइल्स के डेवलपमेंट में इनका बहुत ही एक्टिव, बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इनकी जबरदस्त भागीदारी रही है। तो बच्चों आपसे ना इन सारे मिसाइल्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं और साथ में ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी मिसाइल धरती से धरती पर मार करती है, धरती से अंतरिक्ष में मार करती है, हवा में मार करती है और धरती से पानी में मार करती है। सो बिसाइड्स बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट एज ए ह्यूमैनिटेरियन एंड विथ हिज एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी ही हैज बिकम ए नेशनल हीरो। आप नेशनल हीरो का मतलब समझ रहे हो ना, हीरो होना और नेशनल हीरो होना, राष्ट्रीय हीरो होना, जिसे अपने देश के सारे लोग पसंद करें, जिससे मिलना चाहें, बातें करना चाहें, जिसकी तारीफ करें। तो वो एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत ही मानवतावादी, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग थे और वो बड़े ही सिंपल तरीके से, सादगी वाले तरीके से रहा करते थे। ही बिकेम द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002। उन्हें क्या हुआ कि फिर आगे चल करके भारत सरकार ने राष्ट्रपति के पद पर उनको सुशोभित किया। ही रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स एज पद्मभूषण। पद्मभूषण उन्हें कब मिला है, 1981 में। पद्म विभूषण 1990, द भारत रत्न ये उन्हें मिला है 1998 में, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंक्लूडिंग द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन 1997। इसके अलावा 1997 में उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला है भारत में एकता स्थापित करने के लिए, है ना। तो बच्चों आज हम लोगों ने किस महान आदमी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जिनको हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मैं आप सब बच्चों से ही कहूँगा कि आपको ना इनका जो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है अग्नि की उड़ान या विंग्स ऑफ फायर नाम से इंग्लिश में अवेलेबल है, वो भी पढ़ना चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलेगी आप सबको। तो हम लोग इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स को देखते हैं। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड ये तो समझने की बात है कि मतलब दो तरह के अवार्ड होते हैं, एक तो सैन्य सेवा के लिए मिलते हैं सैनिक के तौर पर काम करने के लिए, दूसरे सिविलियन आम जन के तौर पर काम करने के लिए। साइक्लोन, अब जैसे कि जो सैन्य सेवा वाले अवार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीर चक्र, परमवीर चक्र, जो सिर्फ सैनिकों को मिलते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं। और सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, है ना।
इसी तरीके से अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये पुरस्कार दिए जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को। तो बच्चों एक और वर्ड है साइक्लोन, जिसके बारे में मैंने बताया कि तूफान, चक्रवाती तूफान। डिड नॉट लूज हर्ट, दिल नहीं खोना, हार नहीं मानना। टैमरिंड, इसका मतलब होता है इमली। ह्यूमैनिटेरियन, आप समझ रहे हो। चैलेंज, चैलेंज का मतलब क्या है? चैलेंज का मतलब तो चैलेंज ही है, एक बहुत बड़ा काम जो कि कभी कभी आपको बहुत मुश्किल लगता है, असंभव सा लगता है, दैट इज ए चैलेंजिंग जॉब। इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसे। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फेरिंग, फेरी का मतलब होता है चक्कर लगाना, आना जाना आना जाना। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था ना कि इनके जो पूर्वज थे वो नाव से तीर्थयात्रियों को यहाँ से वहां पहुंचाया करते थे, ठीक है। उसके बाद आखिरी वर्ड है अर्थ ऑर्बिट, तो पृथ्वी की कक्षा। पृथ्वी की कक्षा का मतलब ये है कि हमारे वायुमंडल में इतने किलोमीटर के बाद में एक डिफाइंड दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, जहाँ पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, जैसे वैसे ही जैसे कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चांद, मून के बारे में क्या कहते हैं? दैट इज नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या बनाते हैं? वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं, रोहिणी, एप्पल, आर्यभट्ट, INSAT-1B, INSAT-1C, है ना, बहुत सारे पर्पस से। आप आज के समय में ये सोच लो ना कि अगर ये सैटेलाइट्स नहीं होते तो हम लोग मोबाइल पर बात नहीं कर पाते, इंटरनेट नहीं चला पाते, ईमेल नहीं भेज पाते, डिश टीवी, टाटा स्काई, ये जो आप केबल के प्रोग्राम देखते हो ये नहीं देख पाते, मौसम के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर पाते। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग आवर अर्थ, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं की वजह से है ये। ये जो गूगल मैप्स के जरिए आपको पता चल जाता है कि आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ से ये मार्केट कितना दूर है, स्कूल कितना दूर होगा, स्टेडियम कितना दूर होगा, आसपास में कोई बैंक ATM है कि नहीं, इस सब के पीछे में सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी ही तो है। तो ठीक है बच्चों, जल्दी ही हम लोग एक नए चैप्टर के लेक्चर के साथ में मिलेंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूँगा जल्दी ही मैं। आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो हम लोग जल्द मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना, हैप्पी लर्निंग।